हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2.3 का, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चे को ये अच्छे से समझ में नहीं आ पाता, इसलिए उनको बहुत हार्ड लगता है। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें फिर उसको बनाएं तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है और धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाट के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव है जो धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाता है, जिसमें उसको 9 घंटे समय लगता है, और वही दूरी जब वो धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसे 10 घंटा लगता है। जैसे आपने कभी भी साइकिल चलाते हुए कभी देखा होगा कि कभी तूफान आ जाता है और आप साइकिल चला रहे हो, और अगर आप तूफान के दिशा में साइकिल चलाते हैं तो आपका जो साइकिल बहुत स्पीड भागने लगता है, और अगर वही आप जो साइकिल है आप तूफान के विपरीत दिशा में चलाते हैं, यानी कि जिधर से आप जा रहे हैं उधर से ही तूफान आ रहा है, तो आप देखते हैं बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन है कि जब जो धारा है, जो पानी जब बहता है, तो धारा की दिशा में अगर कोई नाव चलता है तो वो जो धारा है उसको नाव को ढकेलता है, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से पहुँचता है। तो यही रीज़न है कि जब धारा जो है नाव जो नाव जो है धारा की दिशा में जब चलता है तो 9 घंटे में ही वो एक घाट से दूसरे घाट तक पहुँच जाता है, लेकिन वही धारा के विपरीत दिशा में जब जाता है तो उसे 10 घंटा लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है कि नाव की चाल, जो शांत जल में नाव की चाल है वो क्या होगा और दोनों घाट के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसको चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि हमें चूंकि शांत जल में नाव की चाल चाहिए, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, माना कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर है। चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, इसलिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा ही लेना है। किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। अब शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितना है, धारा की चाल आप यहाँ देख सकते हैं, धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर पर घंटा है, यानी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हमें धारा की दिशा में नाव की चाल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जो नाव है धारा की दिशा में चलेगा तो धारा जो है उस पर फोर्स लगाएगा, उसको आगे ढकेलने में मदद करेगा, यानी उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए धारा की दिशा में जो नाव का चाल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर है और धारा की चाल 1 किलोमीटर है, तो इसीलिए इसमें 1 किलोमीटर ऐड हो जाएगा, यानी कि धारा की दिशा में नाव का जो चाल हो जाएगा वो 1+1 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। और धारा की दिशा में नाव को चलने में समय क्या लगता है, समय जो है धारा की दिशा में इसको लग रहा है कितना, 9 घंटा, कितना लग रहा है, 9 घंटा, ठीक है। तो देयरफोर धारा की दिशा में जो है, धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में उसको समय कितना लगेगा, तो दूरी हमको निकालना है। तो देयरफोर धारा की दिशा में दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो चाल हमारा धारा की दिशा में क्या, x+1 किलोमीटर है, x+1 किलोमीटर, और समय है 9 घंटा, ठीक है। दोनों को गुना कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो x को 9 से आप जब गुना करेंगे तो आएगा 9x, और प्लस 9 को 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 कम 9, ठीक है। अब हम लोग धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे, ठीक है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है, विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई नाव हो या कोई साइकिल ही हो
धारा की विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगा, जो धारा है उसको स्पीड को उसको कम कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो शांत जल में नाव का चाल था 1 किलोमीटर और धारा का चाल है 1 किलोमीटर, तो वो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा इसका स्पीड, तो 1 + 1 किलोमीटर/आवर हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा में चाल। और समय कितना लग रहा है पहुँचने में, एक घाट से दूसरे घाट 10 घंटा विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे समय हो जाएगा 10 घंटा यानी 10 आवर। ठीक है, अब तो इसलिए हमारा धारा की विपरीत दिशा में जो दूरी होगा वो क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में दूरी, विपरीत दिशा में दूरी, और ये दूरी क्या है, एक घाट से दूसरे घाट के बीच की दूरी। ठीक है, आपको याद रखना है, वो क्या हो जाएगा, तो चाल गुने समय इसमें भी होगा, तो चाल हमारा है विपरीत दिशा में 1 - 1 किलोमीटर/आवर और समय लग रहा है 10 घंटा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 × 1 हमारा हो जाएगा 10x और -10। ठीक है, ये आपका हो गया, हमारा दूरी हो गया, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका निकल गया। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पे जो दूरी होता है वो हमेशा किलोमीटर में होता है, तो ये आप किलोमीटर यहाँ पे दे सकते हैं ब्रैकेट देकर। अब आप चूंकि जानते हैं कि जो घाट एक घाट से दूसरे घाट के बीच की दूरी है वो चाहे इधर से जाए या उधर से जाए, दूरी तो हमेशा सेम होगा, यानी कि इस हिसाब से आप अगर इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, तो चूंकि दोनों में तो दूरी ही है ना, धारा की दिशा में हो या धारा की विपरीत दिशा में, दोनों घाट के बीच की दूरी है, तो जब बीच की दूरी बराबर है तो ये जो समीकरण के दूसरे तरफ वाला हिस्सा है वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 9x + 9 इज इक्वल टू 10x - 10, ये हो जाएगा। तो इससे क्या होगा फ़ायदा, तो आप देख सकते हैं 9x इधर है, 10x इधर है, तो बड़ा वाला तो इधर है ना, x वाला नंबर, तो 10x को यही रहने देंगे और इस 9x को इधर लेके आएंगे तो माइनस में 9x हो जाएगा, इधर 9 पहले से, ये माइनस में 10 इधर आएगा तो ये प्लस में 10 हो जाएगा। तो अब जुट कर कितना हो जाएगा, 10 और 9 हो जाएगा हमारा 19, और इधर 10 में से एक ये 9 घटेगा तो 10x में से 9x घटेगा तो कितना बचेगा, हमारा x बचेगा, तो इस हिसाब से x बराबर हमारा 19 आ गया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, तो देयरफॉर हमारा x क्या था, x हम लोग क्या माने थे, शांत जल में नाव के चाल, तो देयरफॉर शांत जल में नाव की चाल बराबर x यानी कि 19 आ गया, 19 किलोमीटर/आवर, यही हमें निकालने के लिए बोल रहा था, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, अब हमें निकालना है दोनों घाट के बीच की दूरी, तो दोनों घाट के बीच की दूरी यही है ना, धारा के दिशा में दूरी या फिर धारा के विपरीत दिशा में दूरी, अब दोनों में से किसी एक का मान लेकर उसमें x का वैल्यू रखेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, मान लीजिए यही ले लेते हैं 10x वाला, है ना, 10x - 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 × x का यहाँ पे वैल्यू है 19 और माइनस ये हो गया 10। ठीक है, तो 19 दहा कितना हो जाएगा, 190 माइनस 10 घट के कितना आएगा, 180, और दूरी हमेशा किलोमीटर में होता है तो ये किलोमीटर में आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों मान निकल गया, यानी कि आपका धारा शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर और दूरी जो दोनों घाट के बीच की दूरी है वो 180 किलोमीटर हो गया। तो आई होप आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर आपको इस बुक से और भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, ठीक है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको वो क्वेश्चन बनाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।